ये जीवतिया के एक दिन पहले का क्लिप है। तो आज खाने में मैं खा रही मड़ुआ का रोटी और ये सतपुतिया की सब्जी और इसमें नोनी का साग मिक्स करके बना है। ये आज के दिन ज़रूर खाया जाता है। और कद्दू का सब्जी, आलू की भुजिया, दाल और राइस था। तो आज के दिन मड़ुआ और सतपुतिया और नोनी का साग, इन तीनों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो नहाए खाए के दिन इसे ज़रूर खाया जाता है। तो मैं वही खा रही थी और मैं ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से कर रही हूँ। और आज के दिन मैंने ज़्यादा कुछ सूट नहीं किया। और बाय द वे मैं आपको बता दूँ कि ये मड़ुआ बिल्कुल भी टेस्ट में अच्छा नहीं था। पहले के लोग खाते थे, क्योंकि हम लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया है तो हम लोगों को ऐसे कभी कभी खाने को पड़ता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो मुँह में जाने के बाद कैसा किन किन स्वाद करता है। बट ठीक है, आज के दिन विधि है, करना कंपलसरी है। तो मैं भी बस खा रही थी और क्या करूं। वैसे तो एक पराठा बनाया था खाने के लिए, बट आधा पराठा भी मैंने कैसे खाया है आप मेरे मुंह के एक्सप्रेशन देख के पता लगा ही पा रहे होंगे। खैर क्या करें, मैं तैयार हो चुकी हूँ। ये वाली साड़ी पहनी है मैंने, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैं मिलती हूँ आपसे पूजा होने के बाद। फटाफट से पहले पूजा कर लेते हैं क्योंकि टाइम भी हो चुका है। पूजा का पूरा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है तो प्लीज़ होगा। और अभी मैं नेक्स्ट डे शाम को सूट कर रही हूँ पूजा के टाइम। ये मेरी पूजा की थाली है जो मैंने अच्छे से सजा लिया है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं कलश स्थापना की तरफ। हर पूजा में कलश स्थापना होता ही होता है ज़्यादातर। तो बस मैं वही नारियल को यहाँ पे रोली से टिक रही थी। अगर आपके पास लाल कपड़ा नहीं है तो आप मौली से भी नारियल को लपेट सकते हैं। तो हर बार जब पॉसिबल नहीं हो पाता है लाल कपड़ा तो मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं मौली से क्या करती हूँ कि नारियल को लपेट देती हूँ। और यहाँ पे आ गया है मेरा आम का पत्ता, इसे भी हम लोग अच्छे से रोली से लगा के टीक लेंगे। और उसके बाद हम इसे अपने लोटे में डालेंगे। लोटे में आप पैसा डाल सकते हैं, अक्षत, फूल, रोली, मतलब आप जो चीज़ आप डालना चाहे आप डाल सकते हैं। खाली कलश नहीं बैठाया जाता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। और कुछ नहीं भी है तो आप उसमें फूल अवश्य डालें और अक्षत। और यहाँ पे मैंने कलश स्थापना कर दी है, मैंने पूजा भी कर लिया है, मेरा कथा भी हो गया है। आपको दिख रहा होगा मैंने सब चीज़ चढ़ा दिया है अच्छे से। लास्ट में बस अब हम लोग धूप जलाएंगे। आरती होने के टाइम है तो धूप तो जलेगा ही, धूप जलाएंगे, आरती गाएंगे हम लोग। तो बस मैं वही थोड़ा थोड़ा चीज़ शूट कर रही थी। और इस बार मैंने वीडियो थोड़ा बहुत स्लो में भी डाला है, देखिए देखती हूँ। मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा चेंज करके डालते हैं यार, हो सकता है वीडियो थोड़ा ठीक लगे, तो इसलिए मैंने कोशिश की है। और वाकई अच्छा लगता है स्लोमो में। और ये मैं अब आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ। मेरा पूजा हो चुका है। यहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने जीमूत वाहन का फ़ोटो प्रिंट आउट करके निकलवा लिया, कुछ मतलब फ्रेम वगैरह नहीं डाला है, ऐसे ही पूजा कर लिया है। और आपको क्लीन वाला जो दिख रहा होगा वही सतपुतिया है जिसकी सब्जी नहाए खाए के दिन बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती है खाना, और वो चढ़ाते भी हैं। तो मैंने भी यहाँ पर चढ़ाया है और ये मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है और मैं यहाँ फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। और बस मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं और बात कर पाऊँ आप लोगों से। पूजा डन, बहुत अच्छे से पूजा हो चुकी है। और आज का जो जितिया व्रत मैंने किया वो मुझे ज़्यादा प्यास नहीं लगी है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। पिछले बार जो तीज किया था वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी। मैंने पूरे दिन कुछ भी सूट नहीं किया क्योंकि आपको पता है कि जीतिया निर्जला व्रत होता है तो ऐसे भी मतलब पानी भी नहीं पीना रहता है तो उतनी ताकत रह नहीं जाती है कि कुछ भी सूट किया जाए। और वैसे भी मैंने इस बार बाहर जाके कुछ भी सामान नहीं किया। मुझे जो भी लाना था वो मैंने लिख के और लिस्ट मंगा लिया था, क्योंकि पिछली बार मैं गई थी बाहर और दोपहर में ही मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी, काफ़ी ज़बरदस्त धूप हुई थी। और आपको मैंने दिखाया भी था, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा तीज वाला ब्लॉग जाके आप देखिए, इसी चैनल पे अपलोडेड है। तो इस बार मैंने वो गलती नहीं की और इसी की वजह से मुझे भी प्यास नहीं लगी है। तो पूजा हो चुकी है और मैं मिलती हूँ आपसे कल। अब और अभी मैं जाऊँगी, कुछ फ़ोटो क्लिक करूँगी। ऑब्वियसली यार डेली तो रेडी नहीं होती है, थोड़ा फ़ोटो लूँगी। मैंने अभी एक भी फ़ोटो नहीं लिया है। मेरा फोकस होता है रेडी हो गए, पूजा करो अस्थिर, उसके बाद ही कुछ करो। और मैं कुछ रील्स भी बनाऊंगी। तो
अगर आपको मेरे रील्स चाहिए तो मेरे इंस्टा आईडी पे आप जाके चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप मुझे वहाँ भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ रील्स डालती हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के, क्योंकि तब से तो बहुत तेज़ धूप था, बट अभी जो वेदर है वो लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। और मैंने ये जो ब्लाउज़ है ये तीज वाला ही डाल लिया था, मुझे इसका ब्लाउज मिल नहीं रहा था, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। जानते ही हैं मतलब जल्दबाजी का काम, सैदानी का काम होता है, और पूजा का मुहूर्त निकल ना जाए इसलिए मुझे ये सामने दिखा तो मैंने यही डाल लिया। बाय द वे मैं इसका एक तो फ़ोटो पहले ले लूँ, नहीं तो इससे पहले कि अंधेरा हो जाए और फ़ोटो अच्छा ना आए मैं जाती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह हो गया है और बस खाने की तैयारी स्टार्ट हो गई है। जिनके घर जीतिया होता है उन्हें पता ही होगा कि खाने के लिए बहुत सारा चीज़ बनता है पारण के दिन, क्योंकि पितर लोग को देना होता है। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि खाने में क्या क्या बना था। तो हो सकता है आपके घर कुछ और भी बना हो, बट मेरे घर यही बना था। और ये है वो पत्ता, ये सतपुतिया का पत्ता है, ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता है, लेकिन परंपरा यही है कि इसी के ऊपर पितरों को खाना अर्पित किया जाता है। तो मेरे पास तो यही छोटे छोटे हर साल पत्ते आते हैं, तो क्या करती हूँ कि इनको नीचे रख देती हूँ खाना देने के बाद, और ऊपर में पेपर भी लगा देती हूँ, क्योंकि इतना छोटा में तो हो नहीं पाएगा। और ये वो सारे खाने हैं जो मैंने पितरों को दिया है। इस ब्लॉग में मैं ज़्यादातर वॉइस ओवर करके ही डाल रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मैंने नहीं शूट किया, मेरी इच्छा नहीं थी। जो भी होगा मैंने वॉइस ओवर करके डाला है, और इसके बाद में ये इंट्रो मैं आई थिंक ब्लॉग के एंडिंग में दे रही हूँ इस बार, क्योंकि मैंने कल जो थोड़ा बहुत शूट किया, मैंने ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं किया है। मैंने बस कोशिश किया कि थोड़ा बहुत बस कुछ झलकियाँ कैप्चर कर पाऊँ, और याद भी रहेगी कि हाँ ऐसे ऐसे मैंने फास्टिंग किया था। तो होपफुली आपको ठीक लगा होगा, मैंने खाना जो है वो पितरों को दे दिया है, बट अभी तक मैंने पारण नहीं किया है, मैं भी जस्ट ब्रश करके आई हूँ। कहते हैं कि करजूतिया जो करता है, अगर आप ब्रश कर लिए इसका मतलब आपका जो फास्टिंग है, जो व्रत है, वो खड़ नहीं होता है। पता नहीं खड़ का मतलब क्या होता है, तो ये मत पूछिएगा, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता है। तो इसलिए सारा चीज़ आप कर लो जब आपको पारण करना होता है, जब व्रत खोलने का टाइम होता है उस वक्त आप ब्रश करो, क्योंकि ये जो व्रत होता है उसमें आप मुंह में दातुन भी नहीं लगा सकते। इसलिए कल का जो पूरा दिन निर्जला व्रत होता है उसमें हम लोग ब्रश भी नहीं करते हैं, बस स्नान करके आप पूजा कर लो। जबकि तीज में ऐसा नहीं होता है, तीज में आप अच्छे से शाम को अपना 16 श्रृंगार करो, नहाओ, ब्रश करो। लेकिन इसमें इसका नाम ही है खरजूतिया, मतलब आप कोई भी चीज़ मुँह में नहीं लगा सकते हो, तो इसलिए शायद इसका नाम खरजूतिया पड़ा है। तो हम लोग भी शुरू से इसको ही फॉलो करते आ रहे हैं। तो अभी मैं जस्ट ब्रश करके आई हूँ और अभी 10:30 होने वाले हैं, 10:20 का शायद व्रत खोलने का टाइम था। तो अब मैं जाके पानी पीऊँगी और अब मैं अपना फास्टिंग जो है उसको खोलूँगी। 36 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं पानी पिए, और मुझे अभी प्यास ज़बरदस्त वाली लग चुकी है, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो गई है। कल भी बहुत तेज़ धूप थी और आज भी बहुत तेज़ धूप है, तो जाहिर सी बात है बिना पानी के किसको प्यास नहीं लगेगी। तो बस मुझे भी बहुत तेज प्यास लग चुकी है, तो मैंने सोचा कि मैं व्रत खोलने से पहले आप लोगों को बता दूँ, एक बार आप लोगों से मिल लूँ इस ब्लॉग में, क्योंकि अच्छे से मैं मिल ही नहीं पाई हूँ, थोड़ा बहुत करके मैंने ही शूट किया है बस। तो होपफुली आपको मैंने जैसे पूजा किया दिखाया आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और मैं जा रही हूँ अपना।